हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 29, गणित सब्जेक्ट की है, 8th क्लास के बच्चों के लिए, 19 तारीख की है, ठीक है, जिसमें हम घनमूल की शाब्दिक समस्याएँ क्या हैं वो हम जानेंगे कि हम उनको घनमूल की जो शाब्दिक समस्याएँ आती हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझना है, बहुत ही आसान है। देखो ये मेंटल मैथ क्विज कंपटीशन भी होते हैं इस तरीके के। प्रिया की कक्षा की घटना है, मेंटल मैथ के क्विज का कंपटीशन चल रहा था। प्रिया से आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ प्रतियोगिता को जीत लिया है। सविता ने जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों का और मेघा ने सविता से तीन गुने, ठीक है। तो देखो प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने बताया कि हमारी जो क्षेत्रीय स्तर की जो मेंटल मैथ की प्रतियोगिता थी उसमें जो सविता थी, सविता ने जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, जितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया उसने सविता से दुगनों का दिया प्रिया ने, और फिर मेघा ने सविता से तीन गुने का दिया। तो हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल इतना है। अब तुम बताओ कि किसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो देखो सबसे पहले आप क्या मानोगे, माना सविता ने सही उत्तर दिए पी, ठीक है, सविता ने 7 पी दिए तो प्रिया ने उसके दुगने दिए थे तो 2 पी, और मेघा ने उसके सविता के 3 गुने दिए थे तो 3 पी हो गया। अब प्रश्न के अनुसार गुणनफल दिया गया, तो गुणनफल क्या होगा, जब हम तीनों की गुना कर देंगे तो पी गुना में 2 पी गुना में 3 पी इक्वल टू 162 के आना चाहिए। अब यहाँ पर ये गुना में है तो ये क्या हो जाएंगी, पावर में ऐड हो जाएंगी, हम ये पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, तो और ये 2 3 6 यानी कि 6p³ 162 के बराबर हो गया। ये 6 को इधर लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 27 आएगा, तो p³ इसके बराबर है। अब हम ये क्यूब को हटाते हैं बेटा, मान लो ये है, इसको हमें इधर लेकर जाना, तो ये क्या हो जाता है, इसका घनमूल बन जाता है। अब हम इसको घनमूल को हटाएंगे ऐसे फैक्टराइज करके, 3 × 27 3 × 9 और 3 × 1 3, तो 3 का आया, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 × 3 × 3, ठीक है, यहाँ से 1 3 बाहर आ गया तो पी की वैल्यू 3 आई। तो सविता ने 3 उत्तर सही दिए, प्रिया ने भी कितने दिए, उसके दुगने यानी कि 6 और मेघा ने उसके भी दुगने 3 गुने यानी कि 9, तो इतने इतने आंसर उन्होंने सही दिए, ठीक है। ऐसे ही बेटा आप देखो दूसरा, रिया की कक्षा की घटना, रिया बताती है, दीदी हम सभी ने भी आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय लिया। मैंने जितने रुपये दान दिए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर ही रुपये दान दिए, मतलब उसने जितने रुपये दान दिए उसके क्लास के उतने ही बच्चों ने उतने ही रुपये दान दिए जितने प्रिया ने दिए, और बच्चों की संख्या भी उतनी है जितने प्रिया ने रुपए दान दिए, ठीक है, समझना है थोड़ा लॉजिक से। मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने भी मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि का दान दिया, इस प्रकार कुल इतने रुपये इकट्ठे हुए। मान लो प्रिया ने 1 रुपया दिया तो उसके क्लास के, मान लो 4 रुपये दिए तो उसकी क्लास के 4 बच्चों ने 4 4 4 4 रुपये दान किए, ठीक है, ऐसे ही उसके पूरे स्कूल की 4 कक्षाओं ने रुपये दान किए, इन सब का टोटल करोगे 4 4 करके तो इतना रुपया आया मान लो। अब आप बताइए कि मैंने कितने रुपये दान दिए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपये दान दिए और मेरे विद्यालय के कुल कितनी कक्षाओं ने भी रुपये दान दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक क्लू दिया है उसको ही लेकर चलना है, माना रिया की जो धनराशि है जितनी उसने दी वो 8 रुपये है, ठीक है, तो धनराशि दान देने वाले बच्चों की संख्या भी 8 ही होगी और धनराशि दान देने वाली कक्षाओं की संख्या भी 8 ही होगी, जो हमसे पूछा गया हम वही ले लेंगे, ठीक है। क्या पूछा गया है, कक्षाओं की संख्या, कुल कितने बच्चों की संख्या और उसने रिया ने कितने रुपए दान दिए, तो तीनों को ही मान लिया हमने। अब प्रश्न के अनुसार तीनों का गुणनफल हमें दिया गया इतना, ठीक है। अब इसमें फिर से वही सेम टू सेम, इसकी आर की, ये आर की क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और 375 के अब इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे बेटा, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब इसमें 3 में से हम 1 3 ले लेंगे और इसमें से 1 5, तो 3 × 5 = 15, यहाँ से हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हट जाएगा घनमूल। अब रिया ने 15 रुपये की धनराशि दान दी, तो इसका मतलब कक्षा में 15 बच्चों की संख्याओं ने ही दान दिए, और क्या है, कितनी कक्षाओं ने, 15 ही कक्षाओं ने दान दिया और उसके कक्षा के 15 बच्चों ने दान दिया और उसने 15 रुपये दान दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सोल्व करने हैं। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं
फर्स्ट है चोक के घनाकार डिब्बा, घनाकार डिब्बा है चोक का बेटा, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसका आयतन दिया है 1728 घन सेंटीमीटर। अब घन में क्या होता है, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बतानी है। देखो ये हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें ये भी बताना है, ये भी और ये भी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन हमें दे रखा है इतना। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लंबाई गुना में ऊंचाई गुना में चौड़ाई, जो कि इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है घनाकार डिब्बा है, तो इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि अगर ए के है तो सारी ए ही होंगी, तो हमने लिख लिया। अब ए की क्यूब हो जाएगा यहाँ से, अब ए की क्यूब हो गया, ये क्यूब हटाएंगे तो ये इधर घन क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, फैक्टराइज़ करेंगे तो ये हमारे गुणनफल आएंगे, ठीक है, गुणनखंड आएंगे। इन गुणनखंड गुणनखंड में से एक एक ले लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो दो दूनी चार तीये 12, तो यानी कि एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब उसकी तीनों ही भुजाएं क्या क्या हैं, 12-12 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने पेड़ महेश ने लगाए और उसके चार गुना सुनील ने, तो तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल इतना है, तो बताइए दीपक, महेश, सुनील ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो इन्होंने कितने कितने लगाए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, दीपक ने कितने पेड़ लगाए ये मानेंगे, फिर दीपक का दुगना लगाया महेश ने और दीपक का तिगुना चार गुना लगाया सुनील ने। तो सबसे पहले मानोगे दीपक ने क्या किया, तो माना दीपक ने पेड़ लगाए एक्स, तो महेश ने कितने, उसका दुगुना 2x और सुनील ने उसका 4 गुना यानी कि 4x लगाए। अब प्रश्न अनुसार आप यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिख देना प्रश्न, प्रश्नानुसार क्या होगा, तीनों के द्वारा लगाए गए पेड़ों का गुणनफल ये है, ठीक है। उसके बाद x ये तीनों का हम गुना कर देंगे, इसके बराबर आएगा। अब यहाँ से 2 चौक 8 हो गया और 3x की क्यूब हो गई, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, इधर ये डिवाइड हो गया, 512 आया। अब ये क्यूब हटाएंगे यहाँ से तो इस पर आ जाएगा घन क्यूब, इसको हम फिर से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके, जो कि हमारे पास ये आ गए, यहाँ से हमने एक एक ले लिया तो 8 आया, यानी कि दीपक ने 8 पेड़ लगाए, महेश ने उसका दुगुना यानी कि 8 दुनी 16 पेड़ लगाए और सुनील ने उसका 4 गुना यानी कि 8 चौक 12 32 पेड़ लगाए, सॉरी 8 चौक 32 32 पेड़ लगाए, ठीक है। ऐसे ही बेटा देखो बहुत आसान तरीके से आते हैं इसमें क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना टीकों का उत्पादन एक घंटे में किया जाता है उतना ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है, और उतने ही उत्पादन केंद्र शहर में हैं, और शहर के द्वारा एक घंटे में उत्पादित यानी कि उस पूरे शहर में जितने भी केंद्र हैं उन पूरे केंद्रों ने एक घंटे में कुल टीकों को जो उत्पादित किया उन सब का कुल का मूल्य इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बताएं कि कोरोना के एक टीके का कितना मूल्य है और उसके शहर में कितने उत्पादन केंद्र हैं और एक घंटे में उत्पादन केंद्र में कितने टीकों का निर्माण हुआ होगा, कुल उत्पादन जितने भी हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें बताया है एक घंटे में, ठीक है, मान लो एक्स हैं और उसके बाद कितने हैं, एक घंटे में एक्स टीकों का उत्पादन होता है यानी कि फिर एक टीके का मूल्य एक्स है। उसके बाद टोटल शहर में कितने केंद्र हैं, एक्स ई केंद्र हैं, तो एक्स केंद्रों ने एक घंटे मतलब एक्स रुपये के मूल्य के एक घंटे में एक्स ही टीके उत्पादित किए, तो इन तीनों को गुना करोगे तो वो 2,70,00,000 के बराबर आएगा। तो देखो कैसे लिखोगे, माना कोरोना टीकों का एक घंटे में उत्पादन एक्स हुआ, एक टीके का मूल्य भी एक्स है, तो इसलिए इस शहर में उत्पादन केंद्रों का संख्या भी एक्स है क्योंकि तीनों ही बराबर है। अब प्रश्न अनुसार शहर में एक घंटे में उत्पादित टीकों का कुल मूल्य 2,70,00,000 है। अब वन मिनट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ एक्स की क्यूब आया, इसके ऊपर घन आ जाएगा। अब इसको सोल्व देखो कैसे करोगे, ये सारी जीरो अलग ले लोगे और ये 27 अलग, इनका गुणनखंड करोगे तो इनका गुणनखंड जब करोगे बेटा तो 27 का तो ये हो जाएगा 3×27 3×3 9 3 बार आ जाएगा। ऐसे ही इसका करोगे तो 2×2 का पेयर बन जाएगा 100 100 100। अब इसमें से भी एक 100 ले लेंगे और इधर से 3 तो 300 आ गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो इसका मतलब कोरोना के एक टीके का मूल्य 300 रुपये है, शहर में कुल उत्पादन केंद्र भी 300 ही हैं
और एक घंटे में एक केंद्र में उत्पादित टीके भी कितने होंगे, 300। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।